कैसे आप कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं सुबह के 7:30 से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मुझे घर में बहुत सारी क्लीनिंग करनी है जो काफ़ी टाइम से नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज हो रही है हमारे घर की सफाई। तो सफाई का मतलब कुछ भी ऐसा है नहीं, लेकिन जब दिखते हैं ना कि हमारा घर गंदा है, अच्छा नहीं पड़ा हुआ है, तो फिर मन करता है कि चलो क्लीन करते हैं। वैसे तो ठंड इतनी ज़्यादा है कि ऐसी चीज़ों को करने का मन नहीं करता, लेकिन मुझे ना गंदगी कुछ देखी नहीं जाती है। तो एक महीना सा हो गया था मैंने अपनी खिड़की दरवाजे क्लीन नहीं किए थे और बहुत, आज ये समझ लीजिए मैंने ना अपने पूरे घर की जो दोबारा से ही क्लीनिंग कर दी। वैसे तो हम हर रोज़ अपने घर को क्लीन करते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो वैसी चीज़ें होती हैं ना जिन्हें हम डेली नहीं कर पाते, वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और आज बच्चों की छुट्टी थी तो छुट्टी वाले दिन ना जो काम होते हैं वो देर से भी होते हैं और एक्स्ट्रा भी मैं बढ़ा लेती हूँ आरू की वजह से। तो यहाँ मैंने अनमोल को नहला दिया, अब अनमोल उसको बाद नहलाएंगे हम अपनी बेटी को, तो मेरे हस्बैंड ही नहला के चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो मैं जैसे जैसे जाती हूँ ना पीछे पीछे, तो ऐसे ऐसे मेरी आरू मेरे पीछे पीछे चल देती है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, यकीन नहीं करोगे, मैंने उसको बोला बेटा शांत हो ना, ऐसे ना वॉइस ओवर में डिस्टर्ब होता है तो अच्छा नहीं लगता, ऑडियंस को अच्छे से आवाज़ नहीं जाती है। तो चुपचाप बैठ के मेरे कंधे पर सर रख के देख रही है इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मशीन भी लगाई थी, बहुत सारे कपड़े भी थे, क्योंकि अगर आप एक दिन भी कपड़े स्किप कर दो ना धोने में तो फिर बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है। तो उसके बाद मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए और यहाँ पे चेयर पे मैं ना एकदम लगा देती हूँ, फिर इन्हें उल्टे उल्टे करके ना छत पे डाल के आ जाती हूँ। उसके बाद मैंने इस कमरे की भी डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन गाइज वो ना जैसे मेरा वीडियो से फुल मेमोरी हो जाती है ना, तो जैसे मैं डिलीट मार रही थी ना पुरानी वीडियोज़ को, तो वो भी वीडियो एकदम से डिलीट हो गई। तो उसके बाद ये जो है ना मेरा शोपीस कह लीजिए, कुछ भी कहिए इसको, तो ये ना मैं डेली वाइज नहीं करती हूँ। गर्मियों में क्या होता है कि हाँ डेली करते हैं, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा डस्ट वगैरह आती है। तो अब मैं इसको बहुत दिन में कर रही हूँ, बहुत दिन में मतलब कि 5-6 दिन हो गए, और यह काम करते 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 ना मुझे बहुत तेज़ प्यास लग आई थी। और अभी धूप इतनी तेज़ होती है ना कि आप धूप में अगर 8 घंटे खड़े हो जाओ ना तो ऐसे लगता है कि कितनी गर्मी है। तो मैंने सब कुछ बार बार क्लीन कर दिया था। अब जैसे कि मुझे थोड़े देर में नहाने जाना था, तो मैंने अपना वॉशरूम सब कुछ टॉयलेट वगैरह सारा बाथरूम का मतलब सारा ही क्लीन वगैरह अच्छे से कर दिया। अब यहाँ पे जाने वाली हूँ मैं आज बाहर की तरफ जो बालकनी है वहाँ पे, क्योंकि बैक साइड जो बालकनी है ना वो बहुत कम क्लीन हो पाती है। एक तो ये ना ठंडों में जो गेट है ना ये हमारा बहुत जाम हो जाता है, खुलता ही नहीं है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं खुलता। तो मैंने इसको इतनी ताकत लगा दी ना, लगा तो दी ताकत, लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन जब मुझे ऐसे मन में ठान लेती हूँ ना मैं कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, फिर ना मैंने सोचा आज अनमोल घर पे है फिर मुझे आज इसको टालना नहीं है, फिर ना 1-1.5 महीने बाद ही फिर मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करूँगी। तो ये जो डंडा है ये डंडा हमने ना छत पे कपड़े सुखाने के लिए मंगाया था, तो एक से ही काम हो गया था। ये टूट गई, मेरी जान भी निकल गई, इसीलिए मैं वहाँ वॉश नहीं कर पाती, नहीं तो मैं इतना घर साफ रखती हूँ। ला तो फिर उसके बाद हम मैं बाहर देख रही थी बंदर वंदर तो नहीं है, क्योंकि भाई देखो डर तो लगता ही है, क्योंकि यहाँ पे ना बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है। तो बस मैं वही देख रही थी कि बंदर वंदर तो नहीं है। फिर उसके बाद ना पहले मैंने अंदर से बाहर को थोड़ा सा पानी निकाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जैसे हमने शायद 1.5 महीना सो गया होगा यहाँ से। तो अब यहाँ पे फिर दोपहर का टाइम हो गया था, नहा धो कर फ्रेश मूड में यहाँ हस्बैंड जी लाए थे चाय, और अब तो हलवा जैसे हमारे 3रे दिन ख़त्म हो जाए ना तो 3रे दिन फिर बनना चालू हो जाता है, और मेरे बनाते हस्बैंड जी हैं, मतलब ठंड ठंड ना हस्बैंड जी बोला हलवा हलवा खाओ खूब ज़्यादा। मैंने ताज़ी ताज़ी अमरूद फ्रेश फ्रेश खाने में बहुत टेस्टी मसाले के साथ खाएंगे और बच्चों को थोड़ा थोड़ा देंगे। देखो कैसे बैठे हुए हैं, आरू क्या खा रही हो? और ये देखो ऐसे बैठा है कार्टून।
बेड पे कम खाती हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि बेड पे बैठ के ना खाना नहीं खाना चाहिए, पर ठंड बहुत हो रही है और हस्बैंड चले गए हैं घर मम्मी पापा के पास, तो काम कुछ है नहीं आज, खाना नहीं बनना है क्योंकि हलवा रखा है, दूध पियेंगे, ये चीज़ खा लेते फिर इतने से हमारा पेट भर जाता है। तो आज सोचा बिस्तर में आनंद लेते हुए खाती हूँ, वैसे मैं बहुत कम खाती हूँ।